शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान में अड़ंगा लग गया है। टीकाकरण महाअभियान में वैक्सीन की किल्लत रोड़ा बनी है। बीते एक सप्ताह से जिले में मांग के अनुरूप टीकाकरण के लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। इसके चलते बीते कई दिनों से जिले में टीकाकरण का कार्य ठप बना है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने महाअभियान के लिए रोजाना 40,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तैयार किया था, जिसके लिए ब्लॉकों और शहरी निकायों के अनुसार क्लस्टर भी तय कर दिए गए थे, लेकिन बीते कुछ सप्ताह से औसतन हर दिन 15,000 से 18,000 डोज तक वैक्सीन लोगों को लग रहे थे। इस सप्ताह में वैक्सीन की भारी किल्लत के कारण मंगलवार और बुधवार को जिले में टीकाकरण का कार्य नहीं हो सका। शुक्रवार को 7,600 डोज कोविशील्ड मिलने के बाद सेंटरों में कटौती कर टीकाकरण हुआ है। अब टीकाकरण को लेकर के कमी आ रही है, कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। टीकाकरण अभियान में अब अड़ंगा आ रहा है, वैक्सीन की किल्लत अरोड़ा बनी हुई है। लोगों के लिए टीकाकरण नहीं हो पा रहा है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। 40,000 लोगों को वैक्सीन लगनी थी। वैक्सीन की कमी अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बता दें कि शुक्रवार को 7,600 डोज कोविशील्ड मिलने के बाद सेंटरों में कटौती कर टीकाकरण हुआ है। वहीं मंगलवार और बुधवार को जिले में टीकाकरण का कार्य होना था, लेकिन नहीं हो सका है क्योंकि जो वैक्सीन है उसकी किल्लत देखने को मिल रही है। बता दें कि कुछ सप्ताह से औसतन हर दिन 15,000 से 18,000 डोज तक वैक्सीन लोगों को लग रही थी, लेकिन इस सप्ताह वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। जब अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, अभियान की तैयारी हुई, लेकिन अब टीकाकरण की जो वैक्सीन है उसकी किल्लत होती हुई नजर आ रही है। वैक्सीन की किल्लत से अब लोग परेशान हैं। बता दें कि रोजाना महाअभियान के लिए रोजाना 40,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तैयार किया गया था, लेकिन जिसमें अब वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है, तो अब सवाल ये खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर महाअभियान कैसे चलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने महाअभियान के लिए रोजाना 40,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन अब वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। अब सेंटरों में वैक्सीन की किल्लत हो रही है। अब जहां लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए लोग सेंटरों में जा रहे हैं, लेकिन उनको निराशा होकर के घर लौटना पड़ रहा है। बता दें कि रोजाना 40,000 लोगों को टीका लगना था, लेकिन अब वो अभियान जो है, महाअभियान जो है, फेल होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वैक्सीन की किल्लत अब देखने को मिल रही है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वाति उगले हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और हमारे साथ रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। स्वाति से जानना चाहेंगे। स्वाति, जिस तरीके से अब कोरोना जो है कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वैक्सीन जो है, लोगों को महाअभियान चलाया जा रहा है वैक्सीन को लेकर के, लेकिन अब वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। भोपाल में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए जी, अब तक जो है भोपाल और पूरे प्रदेश में जो है जो लोग हैं जिनको जो वैक्सीन लगनी थी, तो वो कम से कम 2,15,00,000 से ज्यादा लोगों को अभी यहाँ पर वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन की अब किल्लत आते जा रही है, तो सरकार जो है, जो वैक्सीन उनके पास अब बची है, तो उस वैक्सीन में वो चाह रही है कि जिन लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है और जिनका सेकेंड बाकी है, तो उन लोगों का पहले ये कोर्स पूरा कर दिया जाए, और जो वैक्सीन की जो किल्लत है उसमें सरकार को जो है, केंद्र सरकार ने 70% वैक्सीन देने का जो प्रॉमिस किया था, तो उनके तरफ से 70% वैक्सीन मिल रही है, लेकिन 30% जो वैक्सीन है
सरकार जो डिमांड रखी है सरकार ने कि ये वैक्सीन हमें चाहिए करके, तो उस वैक्सीन को आने तक के लिए इसकी जो किल्लत है इसको दूर भगाने का ये एक ही तरीका सरकार को दिखाई दे रहा है कि जो सेकेंड डोज जो लोगों को लगना बाकी है तो वो सबसे पहले उसी पे जोर दे रही है कि सेकेंड डोज लगाया जाए। साथ ही बहुत से ऐसे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर इस तरीके की परेशानियां आ रही है, वैक्सीन की किल्लत यहाँ पर आ रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी जगह पर लोगों की जो है भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है और वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन कम होने की वजह से उन लोगों को वहाँ से वापस भी जाने के लिए मिल रहा है। जी, हमारे साथ रोहित भी है। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है, जहां एक और जो लोग थे वो जागरूक नहीं थे, लेकिन जब जागरूक हुए हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए और जब वो जाते हैं तो उनको निराशा होकर के घर लौटना पड़ता है, रायपुर में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन एक बार फिर से प्रभावित होता नजर आ रहा है। 21 जून के बाद से ये लग रहा था कि वैक्सीनेशन के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी होगी और ये हुआ भी था। लगभग छत्तीसगढ़ में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई थी, तो जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा था। लेकिन एक बार फिर से वैक्सीनेशन की कमी से कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन प्रभावित हो रहा है। सेंटर्स पे लोग पहुंच रहे हैं, जागरूक हैं, वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी कहीं ना कहीं उनको निराश कर रही है और उन्हें घर वापस लौटना पड़ रहा है। मैं बीते दिन शुक्रवार की बात करता हूं तो शुक्रवार को कुल सिर्फ 83,000 वैक्सीन की डोज दी गई है, जो कि पहले 3.5 लाख दी जाती थी। ये कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर प्रभावित होता नजर आ रहा है वैक्सीनेशन। जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, तमाम जानकारी आपसे हासिल करेंगे। बता दें कि टीकाकरण अभियान में अब अड़ंगा आता हुआ नजर आ रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़।